दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली की श्रृंखला में आइए आज देखते हैं साखी क्रमांक 26 और उससे आगे की साखियों को। 26वीं साखी है, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। मित्रों, कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात ब्रह्म एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। यह अपना माया जनित शरीर ही इस द्वैत का कारण है। यदि हम इस अहम की भावना को अर्थात अयम निज परो वा की भावना को समाप्त कर जीवन मुक्त हो जाएं तो प्रभु ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। 27वीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सतगुरु ना मिला, रही अधूरी शीश, स्वांग जति का पहरी करी, घरी घरी मांगे भीष। शीश अर्थात शिक्षा, भीष अर्थात भिक्षा। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि शिष्य को सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तो उसकी शिक्षा अपूर्ण रह जाती है और तपस्वी वेश धारण करके द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने वाले सद्गुरु नहीं हो सकते। स्वांग जति का पहरी करी, घरी घरी मांगे भीष। आगे कबीरदास जी सद्गुरु कैसा होता है उसकी व्याख्या करते हुए 28वीं साखी में कहते हैं कि सतगुरु सांचा सूरीवा, ताते ली ही लुहार, कसनी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सा। तात अर्थात तप्त, लोही अर्थात लोहा, लुहार जैसा कि आप जानते हैं जो लोहे का कार्य करता है वह लुहार। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु सच्चा शूरवीर है जो शिष्य को अपने प्रयत्नों से उसी प्रकार योग्य बना देता है जिस प्रकार लुहार तप्त लोहे को पीट पीट कर सुघड़ और सुडोल आकार देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु शिष्य को परीक्षा की अग्नि में तपा तपा कर सुनार की तरह उसे इस योग्य बना देता है कि वह शुद्ध कंचन की कसौटी पर खरा उतर कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर ले। 29वीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि आपणी पाई थिति भई, सद्गुरु दीनी धीर, कबीर हीरा बणजिया मान सरोवर तीर। थापणी अर्थात शिष्य रूप में अपनी स्थापना और वणजिया अर्थात वाणिज्य या व्यापार। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर मेरा चंचल मन स्थिर हो गया और उन्होंने मुझे धैर्य प्रदान किया। सद्गुरु दीनी धीर, इस मन की एकाग्रता से मैं मन रूपी सरोवर पर हंसा की भांति मुक्ता अर्थात मोती चुग रहा हूं। 30वीं साखी में कबीर कहते हैं कि निःचल निधि मिलाई तत सदगुरु सास धीर, निभजी मैं साझी घना बाटे नहीं कबीर। निःचल निधि अर्थात ब्रह्म, तत अर्थात आत्मा, घन अर्थात बहुत से, सदगुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्म से मिला दिया। इस महामिलन से जो सुख उत्पन्न हुआ उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल है किंतु कबीर उसे बांटने के लिए प्रस्तुत नहीं क्योंकि वह परम तत्व का आनंद दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः उस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार आवश्यक है। 31वीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि चौपड़ी मांडी चौहटे, अरध उरध बाजार, कहे कबीरा राम जन खेलो सत्य विचार। चौपड़ी अर्थात चौपड़ का खेल, मांडी अर्थात बिछी हुई है। कबीर कहते हैं कि शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी है और उसके नीचे दोनों ओर चक्रों का बाजार लगा हुआ है। मित्रों, योगियों ने शरीर के अंतर्गत षट चक्रों की स्थिति मानी है जो मूलाधार से प्रारंभ होकर ब्रह्मरंध्र तक बिछे हुए हैं। इन षट चक्रों का भेदन करके ही कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है जहां अमृत निश्चित होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के जो भक्त हैं, जो संतगण हैं, इस खेल को विचार पूर्वक खेलते हैं अर्थात योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। 32वीं साखी में कबीर कहते हैं कि पासा पकड़िया प्रेम का, सारी किया शरीर, सदगुरु दाव बताइया खेले दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपड़ पर भक्त कबीर ने खेल प्रारंभ कर दिया और सदगुरु दाव बताते हुए जा रहे हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर गुरु के निर्देशन में योग साधना प्रारंभ कर दी है। 33वीं साखी है, सदगुरु हमसु रीझ करी, एक कह्या प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। रीझ कर अर्थात प्रसन्न होकर, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर प्रभु भक्ति की ऐसी मनोरम चर्चा छेड़ दी कि प्रेम का बादल बरस गया,
और जिससे शरीर का अंग प्रत्यंग उस प्रेम जल में भीग गया, उसमें सिक्त हो गया। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आए, अतरी भीगी आत्मा हरी भई बनराय। बनराय अर्थात वन प्रदेश। कबीर कहते हैं कि प्रभु प्रेम का बादल वर्षा, जिससे अंतरात्मा उस प्रभु प्रेम जल से भीग गई और उसी के आनंद में शरीर रूपी वन प्रदेश में भी हरियाली उत्फुल्लता छा गई। प्रस्तुत साखी में असंगति अलंकार की योजना है। 35वीं साखी में कबीर कहते हैं कि पूरे सो परचा भया, सब दुख मेल्या दूरी, निर्मल की नहीं आत्मा ताथे सदा हजूर। परचा अर्थात परिचय, मेल्या दूरी अर्थात दूर कर दिए ताते, इसी कारण से कबीर कहते हैं कि सर्वसमर्थ पूर्ण गुरु से मेरा परिचय हो गया, उन्होंने समस्त दुख दूर कर दिए, उन दुखों के अभाव में आत्मा निर्मल होकर सर्वदा प्रभु भक्ति में संलग्न रहती है। मित्रों, यहाँ कबीर की साखियों का पहला अंग गुरुदेव को अंग समाप्त होता है। इस अंग में कुल 35 साखियां हैं। यहाँ से दूसरा भाग, दूसरा अंग प्रारंभ होता है, जो सुमिरन को अंग के नाम से कबीर ग्रंथावली में संकलित है। आइए चलते हैं इस अंग की पहली साखी की ओर। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होइगा नहीं तर भला न होए। मित्रों, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं ये निरंतर कहता आ रहा हूँ, मैं प्रस्थापित करता आ रहा हूँ कि राम नाम के जपने से ही कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण सिद्ध नहीं होगा। इस बात को सुनते तो सब हैं, किंतु आचरण सब नहीं करते। दूसरी साखी में कबीर कहते हैं कि कबीर कहे मैं कथि गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। कथि गया अर्थात कह गया, महेश अर्थात शिव, नाम तत्सार अर्थात तत्व का सार। कबीर कहते हैं कि मैं ये कह चुका हूं कि राम नाम अर्थात भगवान का नाम ही समस्त तत्वों का सार है, यही सबका उपदेश है। इसी तथ्य का कथन ब्रह्मा और शिव ने भी किया है। मित्रों, कबीर देवतावाद के विरोधी हैं, किंतु यहाँ वे देवों की दुहाई देकर अपना सिद्धांत पोषण करते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि कबीर देवतावाद का समर्थन कर रहे हैं, वे तो केवल अपनी मान्यता को परंपरानुमोदित सिद्ध करके उसकी सत्यता का प्रस्थापन मात्र करना चाहते हैं। तीसरी साखी में कबीर कहते हैं कि तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम निस्सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। कबीरदास जी कहते हैं कि सार तत्व राम का नाम तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी को दास कबीर ने अपने मस्तक पर धारण किया है, अर्थात उसे शिरसा स्वीकार किया है। भाव यह है कि कबीर चंदन आदि का तिलक धारण नहीं करना चाहते, अपितु राम नाम ही उनके लिए तिलक है, अर्थात सर्वोपरि तत्व है। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुविरण सार। मनसा अर्थात मन से, वाचा वाणी से, कर्मना कर्म से। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह उनका नाम स्मरण ही है। इसके लिए जो अन्य साधन बताए गए हैं वे अमित दुखों से परिपूर्ण हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मन वाणी और कर्म से सर्वात्मना प्रभु का नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। पांचवी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अति सब सोधिया दूजा देखो काल। कबीरदास जी कहते हैं कि एकमात्र प्रभु का नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का सार है, और इसके अतिरिक्त हरि भक्ति के अन्य सांसारिक साधन जाल हैं, जिनमें से निकलने का प्रयत्न करने पर मनुष्य और फंस जाता है। मैंने सांसारिक साधनों का आदि और अवसान अर्थात प्रारंभ से अंत तक अवलोकन करके देख लिया, वे काल स्वरूप विनाशकारक है। मित्रों, प्रस्तुत साखी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सुमिरन को अंग की छठी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चित में राम बिन सोई काल की हास। चिंता अर्थात चिंता, नाम अर्थात नाम, चितवे अर्थात चिंतन करना। कबीर कहते हैं कि भक्त को यदि कुछ चिंता रहती है तो केवल हरि नाम स्मरण की चिंता रहती है, अन्य कोई चिंता नहीं रहती। राम नाम के अतिरिक्त व्यक्ति जो कुछ चिंतन करता है वह मृत्यु के फंदे के समान है, अर्थात उसके नाश का कारण है। सातवीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि पंच सगी पे उपयोग करे छठा जो सुमरे मन, आई सूति कबीर की पाया राम रतन। मित्रों, पंच सगी अर्थात पांचों इंद्रियां, सूति अर्थात साधना अवस्था,
मित्रों, कबीरदास जी की पांचों ज्ञानेंद्रियों और छठे मन ने चातक के समान अपने पिव की अर्थात प्रभु के प्रिय नाम की रट लगा रखी है और ऐसी स्थिति में कबीर अपनी समाधि अवस्था में पहुंच गए हैं, जहां उन्हें राम के अतिरिक्त और कोई नहीं सूझता और इसलिए वे कहते हैं कि मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, पाया राम रतन। मित्रों, द्वितीय चरण का अर्थ यह भी हो सकता है कि कबीर तो शुक्ति हो गया, सूति हो गया और पीव पीव की रटन से स्वाति नक्षत्र में वर्षा होने के कारण, प्रभु प्रेम की वर्षा होने के कारण उस शुक्ति में प्रेम जल पड़कर राम रूपी रत्न बन गया है। शुक्ति अर्थात सीप, यह कभी समय है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद शुक्ति में पड़ने पर मोती बन जाती है। आठवीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आहे, अब मन राम ही भय रहा, शीस नवा मौका। कबीर कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करते करते मेरा मन स्वयं ही राम में रम गया है और इससे भी आगे अब स्वयं राममय हो गया है। जब मन स्वयं ही राममय हो गया तो शीस किसे नवाया जाए, अर्थात भक्त और भगवान ही नाम स्मरण से एक हो गए हैं। मित्रों, यह भक्ति की चरम उपलब्धि है जब भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। यही शंकराचार्य के अद्वैतवाद की अहम ब्रह्मास्मि की भावना आ जाती है। नवी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बलि गई, जित देखो तित तू हूं, अर्थात अहम भावना। कबीर कहते हैं, प्रभु में तेरा नाम स्मरण करते करते तेरे स्वरूप में ही विलीन हो गया, मुझ में किंचित भी अहम भाव शेष नहीं रह गया, अहम शेष नहीं रह गया, अर्थात मुझे अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं रहा। अब प्रभु मैं तेरे ऊपर बार बार बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि जिधर देखता हूँ उधर तू ही दृष्टिगत होता है, तू ही दिखाई देता है। दसवीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझी, तब सोवे का दिन राती। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तक नर शरीर रूपी दीपक में जीवन रूपी बाती है, तब तक तू सांसारिक भ्रमों और चिंताओं से मुक्त होकर राम नाम का स्मरण कर, व्यर्थ आलस्य या सुषुप्ति में अपना जीवन मत गवा, क्योंकि जब श्वास रूपी तेल समाप्त हो जाएगा और यह जीवन वर्तिका जीवन की बाती बुझ जाएगी, तब रात दिन चिर निद्रा में ही सो जाएगा, अहर्निश इस मृत्यु में ही सोवेगा, अतः प्रभु भक्ति के लिए तुझे यह जीवन मिला है। कबीरदास जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ग्यारहवीं साखी में कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, जागिन जपे मुरारी, एक दिना भी सोवना लंबे पांव पसारी। मित्रों, सूता अर्थात सोता हुआ या अज्ञान में लिप्त। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तो अज्ञान निद्रा में पड़ा क्या कर रहा है, जाग कर अर्थात ज्ञान युक्त होकर प्रभु का भजन क्यों नहीं करता। यह विश्राम तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि अंततः एक न एक दिन अवश्य ही चिर निद्रा में लीन होना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना है। बारहवीं साखी में कबीर कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाता संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। सूता अर्थात सोता हुआ अर्थात अज्ञानावस्था में पड़ा हुआ। कबीर कहते हैं कि ये मनुष्य तू सोता हुआ क्या कर रहा है, अज्ञान में क्यों पड़ा हुआ है, ज्ञान की चेतना प्राप्त कर अपनी वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं देखता। तू जिस अंशी का अंश है उसी का साक्षात्कार कर अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर। मित्रों, आत्मा परमात्मा का अंश है, अद्वैतवाद के समान कबीर की भी यही मान्यता है। तेरहवीं साखी में कबीर कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, उठने रोवे दुख, जाता बासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख। गोर अर्थात मृत्यु। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तू अज्ञानावस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपने उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता, जिसके जागने पर अर्थात दूसरा जन्म लेने पर तुझे अपने दुखों के लिए रोना पड़े। भला जिसका मृत्यु के मुख में सर्वथा निवास रहता है, उस मनुष्य को सुख की निद्रा कैसे आ सकती है, और इसलिए तू प्रभु भजन कर ज्ञान संपन्न हो, अपना जन्म सुधार ले। 14वीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाय, तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कदे का खाए। जम अर्थात यम या मृत्यु। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तू अज्ञानावस्था में क्यों पड़ा हुआ है, प्रभु के गुणों का गान कर, ये थोड़ी सी तेरी आयु है, फिर यह कार्य नहीं होने वाला, क्योंकि यमराज तेरे सिर पर किसी श्रेष्ठ साहूकार के समान खड़ा हुआ तकादा कर रहा है। 15वीं साखी में कबीर कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, सूता हो या काज,
ब्रह्मा का आसन खिसिया सुनत काल की गाज। अकाज अर्थात हानि, खिसिया अर्थात खिसक गया, काल अर्थात मृत्यु, गाज अर्थात गरज। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सोता हुआ अर्थात अज्ञान अवस्था में क्या कर रहा है? इस अज्ञान से तो तेरी हानि ही हो रही है, क्योंकि आयु अल्प है और काल चक्र किसी को भी नहीं छोड़ता। उसकी गति के भय से ब्रह्मा का आसन भी खिसक गया है। ब्रह्मा का आसन खिसा सुनत काल की गाज। और जब ब्रह्मा का ही आसन खिसक गया तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मित्रों, 16वीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि केसो कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकने मत कबहू लगे पुकार। केसो अर्थात केशव या राम, असरार अर्थात असार या अज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अहर्निश अर्थात रात दिन प्रभु का ही नाम लिया कर और अज्ञान में लिप्त होकर चैतन्य ही नमत हो। और रात दिन की इस नाम स्मृति की ध्वनि न जाने कब प्रभु के कान में पड़ जाए और वे तुझ पर कृपा करें। 17वीं साखी में कबीर कहते हैं कि जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, तेनर इस संसार में उपज शये बेकाम। मित्रों, घटी अर्थात हृदय, पुनि अर्थात पुनः, रसना अर्थात जिह्वा जीव, शये अर्थात नष्ट हो गए, बेकाम अर्थात व्यर्थ में ही। कबीर कहते हैं कि जिनके हृदय में न तो प्रेम है और न प्रेमानंद और न जिनकी वाणी राम नाम का उच्चारण करती है, वे मनुष्य इस संसार में आकर व्यर्थ ही नष्ट हो गए, उन्होंने अपने जीवन उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया। 18वीं साखी में कबीर कहते हैं कि कबीर प्रेम न चाशिया, चशी न लिया साव, सुने घर का पाहुना ज्यू आया त्यू जा। मित्रों, साव अर्थात स्वाद, पाहुना अर्थात अतिथि। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने प्रेम भक्ति का अनुभव किया ही नहीं और उसके अनुभव से वंचित होने पर तू उसका आनंद भी नहीं उठा सका। इस प्रकार तूने अपना जीवन व्यर्थ ही इस प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार सूने गृह में अतिथि अनादृत ही लौट जाता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, ज्यू आया त्यू जा। विद्रोह जगत की शून्य ग्रह से उपमा देकर कबीर उसको मिथ्या बताते हैं। यह विचार शंकराचार्य के जगन मिथ्या आकाश नैल्यवत से पर्याप्त साम्य रखता है, समानता रखता है। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि पहली बुरी कमाई करी बांधी विस्की पोट, कोटि कर्म फिल पलक में जब आया हरि की ओट। मित्रों, फिल अर्थात समाप्त या नष्ट होना, ओट अर्थात शरण। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने अपने पूर्व जन्म में संचित कुकर्मों की विष की पोटली बांध रखी थी, अर्थात बहुत सारे पाप एकत्रित कर रखे थे, किंतु वे करोड़ों पातक प्रभु की शरण में आते ही पल भर में समाप्त हो गए। 20वीं साखी में कबीरदास कहते हैं कि कोटि क्रम पेले पलक में जे रंचक आवे नाम, अनेक जुग जे पुण्य करे नहीं राम बिन ठाम। क्रम अर्थात कर्म या कुकर्म, मेले अर्थात नष्ट करना, रंचक अर्थात थोड़ा सा। कबीर कहते हैं कि यदि थोड़ा सा भी तनिक भी प्रभु का नाम स्मरण किया जाए तो मनुष्य के करोड़ों कुकर्म पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई अनेकों युगों से पुण्य करके बिना राम नाम के अपना उद्धार चाहे तो वह असंभव है, क्योंकि नाम के आश्रय के बिना शांति कहीं भी नहीं मिलती। आगे कबीर कहते हैं कि जिहि हरि जैसा जानिया, तिनकू तैसा लाभ, ओसो प्यास न भाजई जब लग धसे न आभ। भाजई अर्थात नष्ट होना, खत्म होना, आभ अर्थात पानी। कबीर कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु को जिस रूप में जाना है उसको वैसी ही प्राप्ति होती है, केवल मात्र उसको चाटने से प्यासे की प्यास नहीं बुझती, उसकी प्यास तो जल में बैठकर ही संभव है। इसका तात्पर्य यह है कि हरि भक्ति के अन्य साधन ओस के समान है जिसमें जल के कुछ ही कण है। मनुष्य को पूर्ण तृप्ति तो हरि शरण के अगाध जल के आश्रय से ही प्राप्त हो सकती है। 22वीं साखी में कबीर कहते हैं कि राम प्यारा छाड़ी करी करे अन्न का जाप, बैसवा केरा पूत ज्यो कहे कौन सूबा। बैसवा केरा अर्थात वैश्या का पूत अर्थात पुत्र। कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य परम प्रिय राम के अलावा अन्य अनेक देवताओं का भजन करता है उसकी स्थिति वैश्या के पुत्र के समान है जो किसी एक को अपना पिता नहीं कह सकता। मित्रों, यहाँ कबीर ने
यह दिखाया है कि आत्मा का सनातन संबंध केवल मात्र ब्रह्म से है, उसे अन्य देवताओं की पूजा में प्रवृत्त करना व्यभिचार है, और इस प्रकार कबीर बहुदेववाद के विरोधी हैं। 23वीं साखी में कबीर कहते हैं कि कबीर आपण राम कही और राम कहाय, जिहि मुख राम न ऊचरे तिहि मुख फेर कहाय। और अर्थात औरों से अर्थात दूसरों से उचरे अर्थात उच्चारण करना। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू स्वयं भी राम नाम का उच्चारण कर और अन्य लोगों से भी राम नाम कहलवाने का प्रयत्न कर। यदि उनमें से कुछ तेरे निर्देश करने पर भी राम नाम का उच्चारण न करें तो उनसे तू पुनः राम नाम कहलाने का आग्रह कर, इससे वह राम नाम स्मरण में प्रवृत्त हो जाएगा। 24वीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे माया मन रमे यूं जे राम रमाई, तो तारा मंडल छाड़ करी जहां केसो तहां आए। केसो अर्थात केशव राम। कबीर कहते हैं कि जिस भाव से मन माया के विविध आकर्षणों में आसक्त होता है, उसी उत्कृष्टता और तीव्रता के साथ वह प्रभु में रम जाए तो साधक तारा मंडल इस भौतिक सृष्टि के परे जहां राम का निवास है वहीं पहुंच जाए, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाए। आगे कबीर कहते हैं कि लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूटी, पीछे हो पछता हो गई यहू तन जय है छूटी। मित्रों, कबीर कहते हैं कि राम नाम की लूट हो रही है और यथाशक्ति जितने प्राप्त कर सकते हो कर लो, क्योंकि यह राम नाम का स्मरण इसी मानव जन्म में संभव है, नहीं तो फिर यह शरीर छूट जाएगा तो पश्चाताप ही शेष रह जाएगा कि काश हम भी राम नाम जप लेते, हम भी राम नाम जप पाते। 26वीं साखी में कबीर कहते हैं कि लूट सके तो लूटियो, राम नाम भंडार काल कंठ ते कहेगा रूंधे दसों द्वार। काल अर्थात मृत्यु, रूंधे अर्थात रूंधना, दसों द्वार अर्थात दसों इंद्रिया शरीर। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न को लूटना चाहता है तो लूट ले, अन्यथा फिर यह अवसर प्राप्त नहीं होगा। फिर तो मृत्यु कंठ पकड़कर तेरे दसों द्वारों को बंद करके तुझे चेतना विहीन जीवन रहित कर देगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, शरीर के 10 द्वार माने गए हैं, 2 आंख, 2 नासिका विवर, 2 कान, 1 मुख, 1 ब्रह्मरंध्र, 1 गुदा मार्ग और 1 मूत्र मार्ग। 27वीं साखी में कबीर कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों की उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। मार अर्थात डाकू अर्थात काम वासना, दीदार अर्थात दर्शन। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संत जनों, हरि दर्शन अत्यंत कठिन है क्योंकि उनका निवास स्थान बहुत दूर है, साधना का पथ भी बड़ा जटिल है जिसमें काम आदि डाकुओं के बहुत सारे भय है। मित्रों, दूरी घर से ब्रह्म की अगम्यता और अगोचरता, विकट पथ से साधना की कठिन स्थली और बहुमार से सांसारिक भयों की ओर इशारा किया गया है। 28वीं साखी है, गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग, अहने से हर ध्यावे नहीं क्यों पावे दुर्लभ जोग। मित्रों, गुण नाम अर्थात सांसारिक बंधन, अहनिशी अर्थात दिन रात, दुर्लभ अर्थात अप्राप्य। मित्रों, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की गुणावली का गान करने से यह सांसारिक बंधन समाप्त हो जाता है। इस बात को सुनकर तू प्रभु वियोग में राम नाम क्यों नहीं रटता? यदि तू दिन रात प्रभु नाम की चर्चा नहीं करेगा तो उनके दर्शनों का अप्राप्य संयोग कैसे प्राप्त हो सकेगा। 29वीं साखी में कबीर कहते हैं कि कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरि नाम, सूली ऊपरी नट विद्या गिरुंत नाही ठाम। खरी अर्थात भारी, तय अर्थात तो, ठाम अर्थात स्थान। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि नाम स्मरण अर्थात भक्ति साधना में कठिनाइयां भारी हैं, यह नट की उसी कुशलता के समान है जो मृत्यु की शूली पर चढ़कर अपने आंगिक कौशल को दिखाता है, यदि वह कहीं से गिर जाए तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं। इसी प्रकार भक्ति साधना से पदभ्रष्ट भक्त का कोई भी रक्षक नहीं, क्योंकि उसके लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। 30वीं साखी में कबीर कहते हैं कि कबीर राम ध्याय ले जिध्या सौ करिमंत, हरि सागर जिन बीसरे छीलर देखी अनंत। जिन्हें अर्थात मत, छीलर अर्थात छिछला या उथला। कबीरदास जी कहते हैं कि जिह्वा का सहयोग प्राप्त करके राम नाम का स्मरण कर, भक्ति के अन्य साधन रूपी पोखरों को देख कर लोभवश हरि रूपी सागर को विस्मृत मत करो। 31वीं साखी में कबीर कहते हैं कबीर राम रिझाई ले
मुखी अमृत गुण गाय, फूटा नग ज्यों जोड़ी मन, संधे संधि मिलाए। रिझाए ले अर्थात प्रसन्न कर ले, नग अर्थात रत्न, संधे अर्थात जोड़ कर। कबीरदास जी कहते हैं कि तू अपने मुख से राम के अमृतमय गुणों का गान कर, उन्हें प्रसन्न कर दे और इसी प्रकार उनसे अपना मन मिला ले, जिस प्रकार फूटे नग का नग से जोड़ मिलाकर दोनों को एक कर दिया जाता है। मित्रों, प्रस्तुत साखी में अंश अंशी भाव का प्रतिपादन है। सुमिरन को अंग की 32वीं और कुल 67वीं साखी में कबीर कहते हैं कि कबीर चित्त चमन किया, चहुं दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों गड़ा, बेगे ले हो बुझाए। लाई अर्थात आग, अग्नि। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी चकमक पत्थर के कारण चारों ओर माया के आकर्षणों की आग लग गई है। इस आग को बुझाने के लिए हरिस्मरण रूपी घट या घड़ा हमारे साथ विद्यमान है और इससे इस वासना की अग्नि को शीघ्र ही बुझा डालो। कहने का तात्पर्य है कि संसार जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय हरिस्मरण है। तो मित्रों, ये थी गुरुदेव को अंग की शेष साखियां और साथ ही साथ सुमिरन को अंग की 32 साखियां। इस प्रकार कुल 67 साखियों की चर्चा, उनकी व्याख्या हमने की। यदि आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।